नमस्कार। आज हम बनाएंगे बेसन की मीठी बूंदी। इसके लिए ये मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। सबसे पहले हम इसको छानेंगे। छानने से ये है कि गुठलियां नहीं रहेंगी इसमें और हमारा बेसन जो है बिल्कुल अच्छा सा घुल जाएगा और महीन बेसन का इसमें हमें प्रयोग करना है। ये देखिए मैंने बेसन को छान लिया है और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फूल तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। देखिए मैंने बेसन घोल लिया है। अब इसको लगातार हम 5 मिनट तक इसको फेंटेंगे जिससे बिल्कुल ये फ्लफी हो जाए। तो इससे हमारी बूंदी खूब फूलेगी और हमें इसमें सोडा डालने की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए हम इसे 5 से 5-6 मिनट तक इसको हम फेंटेंगे। देखिए इसको 5 मिनट हो गए मुझे फेंटते हुए। देखिए ये कितना हल्का हो गया है, देखिए फूल गया है। ये देखिए, और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, पतला करेंगे इसको। और इसमें ये थोड़ा सा ये फूड कलर मिलाएंगे, ऑरेंज फूड कलर। इससे हमारी बूंदी है कलर रंगीन बनेगी। इसमें भी थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ये देखिए इस तरह की हमारी बूंदी का बैटर बनके तैयार हो गया है। देखिए बैटर बनके हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और चाशनी तैयार करेंगे। ये मैंने 250 ग्राम चीनी ली है और ये आधा इसका 125 ग्राम ये पानी है। और हम चाशनी बनाएंगे। एक भगोना लेंगे और उसमें ये हम पानी डाल देंगे और चाशनी चीनी भी डालेंगे और इसको हम धीमी आँच पर पकाएंगे। ये देखिए मैंने गैस पे चाशनी को चढ़ा दिया और इसको धीमी आंच में हम पकाएंगे। देखिए हमारी चाशनी बन रही है। हमें एक तार की नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी गाढ़ी करनी है। गाढ़ी जो चिपचिपी हो जाए बस इस तरह से हमें करनी है इसको। ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो उसमें बूंदी में ये भरेगी नहीं और पतली रहेगी तो वो बिल्कुल बूंदी लूज हो जाएगी, मुलायम मुलायम बनेगी। ये देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम चेक करेंगे, एक बूंद इसमें डालेंगे और इस तरह से देखेंगे कि ये कि हाथ में चिपचिपी लगनी चाहिए। ये देखिए चिपक रही है, ये हमारी ये तैयार हो गई है। हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए मैंने नीचे उतार ली है और इसमें थोड़ा सा ये कलर डाल देंगे, इससे हमारी बूंदी का रंग अच्छा आएगा और अब हम बूंदी बनाना शुरू करेंगे। देखिए पैन हमारा गर्म है, तेल भी गर्म हो गया है। इसमें हम चेक करेंगे कि ये कितना गर्म है, बूंद डाल के देखेंगे। ये देखिए फूल के आ रही है। ये बिल्कुल सही बन रही है। अब हम इसमें बूंदी बनाएंगे, इसको हटा देंगे।
देखिए इसको बनाना शुरू करेंगे इसमें। देखिए भाई बिल्कुल गोल गोल बढ़िया बन के तैयार हुई है। देखिए सिक गई है और हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा खड़ी नहीं करनी है, सेम निकाल लेंगे। देखिए ये देखिए हमारी चाशनी बनी रखी है और ये गुनगुनी है और हम इसमें ये बूंदी अपनी डाल देंगे। उसी तरह से बना बना के इसी में हम डालते जाएंगे। ये देखिए हमारी सभी बूंदी बनकर तैयार हो गई है और ये देखिए मैंने सब इसको कर दिया है इस तरह से चाशनी में। अब हम आधा घंटे के लिए इसको रख देंगे, चाशनी पूरी अब्जॉर्ब कर लेगी बूंदी को, तब हम ये खाने लायक तैयार होगी, तब हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी बूंदी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसने सब चाशनी को अब्जॉर्ब कर लिया। देखिए बिल्कुल एकदम अलग अलग बनी है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया बूंदी बनी है, इसने सभी चाशनी को पूरी चाशनी को अब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए एकदम बहुत ही बढ़िया बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।